टेटागढ़ म्युनिसिपैलिटी चुनाव के लिए वार्ड नंबर 4 के टीएमसी प्रत्याशी मोहम्मद रियाजुद्दीन उर्फ अरमान मंडल को जहां एक तरफ जन गण का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं इस 4 नंबर वार्ड के अवाम ने इनको बेटे का खिताब दिया है। 4 नंबर वार्ड के अवाम से उनको आशीर्वाद, प्यार और दुआएं मिल रही है। 4 नंबर वार्ड के अवाम का कहना है कि ये हमारा नेता नहीं है, ये हमारा दुख सुख और हर मुसीबत, कोरोना काल महामारी जैसे दिनों में ये हमारा बेटा मोहम्मद रियाजुद्दीन उर्फ अरमान मंडल हमें भूखे पेट सोने नहीं दिया और हमारी धूप से छांव बनकर हमारी हिफाजत की। हम लोगों की दुआएं और प्यार हमेशा हमारे बेटे मोहम्मद रियाजुद्दीन उर्फ अरमान मंडल के साथ है। आने वाले 27 फरवरी को हम लोग अपने मोहम्मद रियाजुद्दीन उर्फ अरमान मंडल बेटे को जीत का सेहरा पहनाएंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस बारे में मोहम्मद रियाजुद्दीन उर्फ अरमान मंडल जी का क्या कहना है। देखिए, सबसे पहले मैं चैनल को HB न्यूज को मैं नमस्कार और सलाम कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। मैं ये चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि या तो वार्ड तो मायना किए हैं, सर्वे करके देख लिए कि यहाँ पर BJP CPM दो खड़े हैं हमारे, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं, मुझे मेरे माँ बहन, मैं तो इस घर का लड़का हूँ और मुझे सब मानते हैं, और यहाँ से तो मैं भारी से भारी वोट से मैं जीतूँगा, मुझे पूरा यकीन है और उम्मीद भी है। ये हमारा ममता बनर्जी सुप्रियो का निर्देश है और हमारे राज चक्रवर्ती का कि जो भी हो फ्रेश वोट हो, कोई जबरदस्ती नहीं, आप लेन में लगे, आपका जिसमें मन करे जाके दिल करे बटन दबाएँ। आपको लगता है कि TMC पार्टी हमारे ममता बनर्जी सुप्रियो कुछ काम किए हैं कि आवाम के लिए जो भी हो सका किए हैं, और हम लोग का जो राज चक्रवर्ती MLA जो हम लोग पाए हैं कि काफ़ी खुशहाल है यहाँ पर, तो उनका मुँह देख के यहाँ पर आवाम जो है वोट सब TMC में ही जाता है। ये काम हुआ वो तो यहाँ का जो पहले कौंसिलर है दसल हैं, तो मैं तो किसी का शिकायत नहीं करूँगा, सबका काम करने का अलग ही स्टाइल है, उनका कुछ स्टाइल रहा अलग, मेरा भी कुछ अलग स्टाइल है काम करने का। कुछ उनसे काम छूटा हुआ है, वो काम को हम जो है सीधे रास्ते पर ले जाएंगे, उसको ठीक करेंगे, हर इंसान के बीच में रहेंगे। वो नहीं रहे, अगर हो सकते कहीं छूटा हुआ कुछ भूल हुआ हो, जो आदमी नाराज़ है तो उनको मैं हर वक्त जो 24 घंटा होता है सेवा मैं करूँगा, उनके सामने खड़ा रहूँगा, जो भी दुख मुसीबत है उसका मैं हल करूँगा। ठीक है, वोटर्स तो यहाँ पर 4,500 है, तो कितने परसेंट वोटिंग हो जाती है यहाँ पर कितने परसेंट 70 चाहे 80, मतलब 70 से लेकर हाँ वोटर होता है। तो आपके जो वोटर्स वोट देने के लिए जाएंगे, बहुत ऐसे वार्ड में वोटर्स होते हैं, ज़हीब होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, तो उनके लिए हर वार्ड में इंतजाम रहता है, तो इस मतलब आपके वार्ड से क्या इंतजाम रहेगा उन लोग के लिए? देखिए, मेरा लिए तो सेवा तो हम सोशल वर्कर है, ये मेरा कर्तव्य है भाई, मैं कैंडिडेट रहूँ चाहे ना रहूँ, अगला बार भी मैं जो रहा है वार्ड वार्ड से सबके लिए टोटो चाहे जो भी रहा उनको ज़रूरत का चीज़ मैंने वहाँ पर जाके उनके घर के सामने लगा दिया रहा, उनके लिए सेवा करने के लिए। हमारे जो टीम के है मेंबर वो भी काम करते रहे, सबको इज्जत से जाके बूथ कैंप तक छोड़ देते रहे, वोट दिला के इज्जत से उनको घर तक पहुँचा देते रहे, लेकिन ये नहीं पूछते रहे कि आप किस में वोट दिए हैं। हम लोग जब तक हैं यहाँ पर कुछ हवा रहा BJP का, यहाँ पर हर धर्म के लोग हैं, हिंदू भी है, सबसे में हिंदू है, मुस्लिम है, मराठी है, उड़िया है, सब जात के लोग हैं यहाँ पर। रहा वोट का, तो अगला बार जो इलेक्शन हुआ रहा हम लोग का, तो हवा ऐसा रहा कि BJP का सरकार हो रहा है, ठीक है ना, तो आप तो बेहतर जानते हैं, आवाम भी अब समझ गई कि BJP का लहर रहा, तो यहाँ पर कुछ है कि नुकसान हुआ रहा कि BJP का कुछ सीट जो है हुआ रहा 17, लेकिन हम लोग को जो 4 नंबर BJP के जो कैंडिडेट क्या लग रहा है आपका वोट वो काटेंगे ऐसा लग रहा है? नहीं, ऐसा देखिए, अगला बार जब यहाँ पर MLA का इलेक्शन हुआ रहा तब हम लोग इलाका से लीड करवा रहे 150 वोट से, तो इस बार तो हम खड़े हैं, तो क्या लगता है इससे हम कितने वोट से लीड होंगे खुद हमने को पता नहीं है, क्योंकि हम खुद यहाँ पर जो है सोशल काम करते हैं, लोगों के हमेशा बीच में खड़े रहते हैं 24 घंटा, चाहे ना रात देखते हैं ना दिन और ना बारिश ना धूप, पूरा एक्टिव होकर काम करते हैं, तो लोग मुझे यहाँ पर पसंद करते हैं, हर कौन पसंद करती है, यहाँ पर मुस्लिम हिंदू का बात नहीं है, क्यों कि मैं जो जगह पर रहता हूँ टीटर बास बगान में, इसे मिनी भारत कहा जाता है, मिनी इंडिया, और यहाँ पर हर पूजा त्यौहार जो है हम लोग बहुत खुशी से मनाते हैं, यहाँ पर दुर्गा पूजा हुआ, छठ पूजा हुआ, काली पूजा हुआ, दिवाली हुआ, हम लोग का ईद हुआ, बकरीद हुआ, मुहर्रम हुआ, सुबरात हुआ, हम लोग सब मिलजुल के मनाते हैं, ऐसे मालूम नहीं चलता है कि हिंदू है कि मुस्लिम कौन है, तो हम लोग को यहाँ पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी आपसे कि हमेशा से लोग या फिर अपोजिशन वाले कहते हैं कि टीटागढ़ में बम और गोली की वोटिंग होती है, ऐसा जो अगर बोल रहा ना, ऐसा तो अभी तक कोई सा बात नहीं, बम गोली तो यहाँ चल नहीं रहा है, हम लोग का टीटागढ़ भी बहुत शांत है और बहुत साफ़ सुथरा है, यहाँ का लोगों लोग जो है अगर शांत नहीं रहता तो यहाँ लेडीज़ लोग हर प्रोग्राम में यहाँ बैठ के लेडीज़ लोग जो है प्रोग्राम को बैठ रही है, सुन रही है, समझ रही है, अपना फैसला ले रही है, आज फैसला ले रही है तब ना TMC का सरकार है।
अगर आप यहाँ के आवाम आपको चुनते या जिताते तो यहाँ के आवाम के लिए सबसे पहला काम आप क्या कीजिए? देखिए काम तो बहुत सारा है, सबसे पहला काम क्या, बच्चे लोग का पढ़ाई के ऊपर ध्यान, खेल कूद के ऊपर ध्यान, महिला लोग जिसका तकलीफ है उसके लिए, महिला के लिए सबसे पहला काम जो है उनके लिए रोजी रोटी के लिए हमको देखना है कि उनको कोई तकलीफ ना हो। मैं वोटर से यही कहूँगा कि आप लोग कहीं भी वोट दें, आपका दिल जिसमें कहे, आपको लगता है कि ये कैंडिडेट अगर काम करेगा तो आप उन्हीं को वोट दें। क्या कहना चाहिए? देखिए हम लोग जो बहुत खुशनसीब है कि हम लोग MLA पाएँ, और एक बात है कि वो एक युवा चेहरा है हमारे राष्ट्रपति, उनके अंदर में इतना जोश है, इतना फुर्ती है कि आज जो यहाँ पर ड्रेन भरा रहता है, पानी भरा रहता है, लेकिन वो गंदगी में उतर के वहाँ पर जो है अपना काम करते हैं। तो ये सब हम लोग देख के हम लोग का सीना जो है चौड़ा हो जाता है, तो हम भी लोग हिम्मत बढ़ता है, हम भी लोग पूरा काम जो है जोशीला से करते हैं, पूरा फुर्ती के संग करते हैं कि जब हमारा MLA जो है 24 घंटा सेवा कर सकते हैं तो हम लोग तो उनका छोटा सा सैनिक है, सिपाही है, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए हमको गर्व होता है कि हम लोग ऐसे MLA पाए। उनका बर्थडे भी है तो उनको क्या कहना चाहिए? देखिए बर्थडे का खुशी में मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं जितने भी मेरे बाप बहन के माँ बहन हो चाहे हम हैं, हमारा उम्र जो है उनको लग जाए और हमेशा मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। जी बहुत बहुत शुक्रिया।